नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं हमारे जितने भाई बहन होंगे जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। और आज है मकर संक्रांति, हमारे यहां खिचड़ी बोलते हैं, मकर संक्रांति नहीं बोलते हैं। जो गांव के पढ़े लिखे लोग हैं, वैसे आजकल सभी पढ़े लिखे हैं, गांव हो या शहर, तो जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो सब जानते हैं कि मकर संक्रांति ही बोलते हैं। लेकिन जो पुरानी दादी और बाबा जी लोग हैं, ये लोग सब खिचड़ी ही बोलते हैं, तो हम लोग खिचड़ी ही बोलते हैं, मकर संक्रांति नहीं बोलते हैं। लेकिन पता है कि मकर संक्रांति बोलते हैं, और हमारी कुछ दीदियों ने हमको जो है कमेंट के जरिए हमको पता चल जाता है कि लोहड़ी भी बोलते हैं कुछ जगहों पे। तो आप सभी को मकर संक्रांति और लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएँ दोस्तों। आप सभी अच्छे से मनाइए और अपने घर में स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और जो है हमारे जितने नए भाई बहन हमको देख रहे हैं, जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, उन सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रार्थना करते हैं भाइयों और बहनों, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो हमसे बड़े हैं, जो हमसे छोटे हैं, उन सभी से हम कहना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और अभी हम बिल्कुल अभी नहाए हैं, तो इसीलिए स्वेटर नहीं पहने हैं। तो कुछ दीदी लोग कहेंगी आपको ठंडी नहीं लगती क्या, आपके यहाँ ठंडी नहीं है क्या? ठंडी है बिल्कुल, अभी हम नहाए हैं, तो नहाने के 10-5 मिनट तक ठंडी नहीं लगती है। अभी जाके ही हम स्वेटर पहनेंगे तुरंत। तो जो है आज बदरी है, बिल्कुल धूप नहीं निकला है। हमारे यहाँ कहेंगे गांव की भाषा में कि नहावन है तो बदरी होवे करी, ऐसे बोलते हैं, तो हम लोग भी बदरी ही बोलते हैं। जैसे कि कुछ नहावन वहान रहता है, तो हम लोग आज नहावन है, खिचड़ी है ना, तो हमारे यहाँ संगम नहाने के लिए ज़रूर जाते हैं सब लोग, तो ऐसे ही बोलते हैं कि आज बदरी है, आज नहावन है तो बदरी हो गई करी, बदरी है ये ही, ऐसे बोलते हैं सब लोग। तो आज जो है मौसम, धूप नहीं निकली है, बदरी है हमारे यहाँ। और अब हम जा रहे हैं जो है तहरी बनाने के लिए। वैसे आज खिचड़ी है तो खिचड़ी ही बनती है, लेकिन जिनके यहाँ कुल देवताओं को चढ़ती है, जिनके यहाँ देवी देवता पूजे जाते हैं, उनके यहाँ चढ़ती है खिचड़ी बनके। तो हमारा भैया अभी सवा महीने का हुआ है, सवा महीने का अभी कल या परसों ही हुआ है, तो 2-3 दिन अभी और कुछ नहीं होगा। जब सवा महीने हो जाएंगे तब होगा। हमारे यहाँ सवा महीने का जब तक बच्चा नहीं होता है तब तक पूजा पाठ कुछ भी नहीं करते हैं, तो इसीलिए हम तहरी बनाएंगे। और तहरी बना के मटर और जो है चावल की तो बना के आप सभी को दिखाएंगे। और जो है प्रतिमा दीदी हमारी एक हैं, जिन्होंने जो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं हमारी वीडियो में, आप सभी देखते ही होंगे। वैसे दीदी हर एक वीडियो में कमेंट नहीं करती हैं, क्योंकि वो हमें परेशान नहीं करना चाहती है कि हमको रिप्लाई करना पड़ेगा, और उनको पता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है। और दीदी हमारी हर एक वीडियो को बारीकी से देखती हैं, एक एक बात को हमारे ध्यान से सुनती हैं, तभी वो किसी भी प्रश्न का, हमसे कोई भी प्रश्न नहीं करती हैं, क्योंकि उनको सब कुछ पता है। और हर एक वीडियो में दीदी कमेंट नहीं करती हैं, कभी कभी ही करती हैं। तो दीदी ने कहा अगर कोई परेशानी होगी, कोई दिक्कत होगी, तो हमको बताना, हम आपकी मदद करेंगे। तो दीदी को हम पहले धन्यवाद करेंगे, दीदी जी आपको धन्यवाद, और आप इतने अच्छे से हमारी जो है सहायता कर रही हैं निस्वार्थ, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ना ही हमारा कोई खून का रिश्ता है, ना ही कोई हमारी रिश्तेदारी है, बस हमारा दिल का रिश्ता है। और आप हमारी वीडियो में कमेंट करती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है दीदी। तो आप हमारी बस इस तरीके से मदद करते रहिए, हमारी जो है हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाते रहिए, हमेशा बनाए रखिएगा, बस हम यही चाहते हैं आप सभी से। और जो है हमारी एक और बहन है बहुत प्यारी सी हैं, जिनका नाम है राधिका। तो राधिका बहन भी हमारी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं, और वो भी कहती हैं दीदी हम आपकी ज़रूर सपोर्ट करेंगे, आपका ज़रूर मदद करेंगे। तो राधिका बहन आपको भी तहे दिल से शुक्रिया। और बातें बहुत सारी हो गई हैं, तो आइए चलते हैं, अब हम आप सभी को तहरी बना के दिखाते हैं। और पहले हम स्वेटर पहनेंगे, नहीं तो दीदी लोग भाई लोग हमको डांटेंगे। तहरी को बनाने के लिए सबसे पहले हम ये देखिए लहसुन लिए हैं और अदरक लिए हैं, इन दोनों को पहले पीस लेंगे। तो ये देखिए हमने लहसुन और अदरक पीस लिया है, इसको हम इसी प्लेट में ले लेते हैं। एक पोटी लहसुन हमने लिया था,
अब हम चावल को भी धो लेते हैं, फिर कढ़ाही को गरम करेंगे। तो ये देखिए, मटर को भी हमने कल शाम को ही छील लिया था हम तीनों माँ बेटी ने, और ये चावल भी हमने धो लिया है। अब हम कढ़ाही को गरम कर लेंगे और इसमें डालेंगे तेल सरसों का। हम खाने के लिए और लगाने के लिए सरसों का ही तेल हर चीज़ के लिए उपयोग करते हैं। तो ये देखिए, हमने गरम मसाला मंगवाया है, 10 रुपए का है, इस तरीके के पैकेट में बंद के आता है ये गरम वाला मसाला है। और इसी से हम तहरी को छौंकेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है तहरी में और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसी से हम तहरी को छौंकते हैं। कढ़ाई हमारी गरम है, अब हम इसमें तेल डाल देते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा तेल डालेंगे तहरी में, तभी अच्छी लगेगी। ये देखिए, गरम मसाला में जो छोटी छोटी लकड़ियाँ थी हमने उसको तोड़ लिया है, और ये जीरा है और इसमें काली मिर्च, यही सब चीज़ें हैं। तो इसको हम डाल देते हैं इसमें। अब हम इसमें डालेंगे प्याज और ये तेज पत्ता जो गरम मसाला में मिला था। ये देखिए, मसाला हमारा, ये गरम मसाला और प्याज हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे ये लहसुन और अदरक जो हमने पीसा था। ये देखिए, लहसुन और अदरक को भी हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये चावल। चावल को हमने धो के रखा था पहले से। इसको हम भून लेंगे थोड़ी देर तक। अब हम इसमें डाल देते हैं हल्दी, थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि चावल अभी बढ़ेगा पक जाएगा तो। और इसमें डाल देंगे हम पीसी मिर्ची थोड़ी सी। बाबू हमारा जो है छोटा है तो उसकी आँख में मिर्ची लगती है, इसलिए हमने काटा नहीं है, यही वाला डाल दे रहे हैं। अब हम मटर को भी इसमें डाल देते हैं। इसको मिला लेंगे अच्छे से। थोड़ी देर तक हम इसे भूनेंगे ताकि अच्छे से ये भून जाए। तो ये देखिए, हमने इसको भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी, और ये पिघला हुआ पानी है। पानी हमारा उबला हुआ था, हमने पहले से रख दिया था उबलने के लिए। अब हम इसमें नमक डाल देते हैं। इसको ढक देंगे। तो अब हम धनिया और टमाटर काट लेंगे। धनिया को हमने धोया हुआ है। अब हम इन तीनों टमाटर को भी काट लेंगे। देखिए, धनिया और टमाटर हमने काट लिया है। अब हम टमाटर को डाल देंगे तहरी में। हम इसको एक बार चला देते हैं। हाँ दादी, अच्छा हाँ सुबह है अभी। हाँ दादी, तो हरी आज क्योंकि अनाज खिचड़ी है ना। तो यही दादी है जो हमको बोल रही थी। तो हम ही इनसे बता रहे थे कि दादी हम तहरी बना रहे हैं, और ये दादी जो है रंग लगाने के लिए आई हैं। हमारे यहाँ त्योहारों पे ऐसे ही रंग लगाने के लिए आते हैं गांव में। इसी तरीके से हमारे ससुराल में भी और मायके में भी, मायके में बहुत कम आती हैं क्योंकि जो दादी है ना लगाने वाली, उनका घर बहुत दूर है,
वो शादियों में आ पाती हैं, कभी कभी मौके से रहती हैं तो आ जाती हैं। और तहरी को हमने सिलो आँच पे रखा हुआ है। ये वही दादी हैं जो भैया के नाकटिया में आई थी, वही है ये। ये तहरी हमारी बन गई है और थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, फिर हम सब लोग जो है निकालेंगे बच्चों के लिए हम। तो तहरी हमारी बन गई है और हमने आज कुछ नहीं बनाया, सिर्फ तहरी बनाई है। और ये कल शाम की जो है दो तीन रोटियां रखी हुई हैं, 3.5 रोटियां, तो इसको हम खा लेंगे दूध के साथ। और जो है और बच्चे और सब लोग तहरी खा लेंगे, क्योंकि ये फेंकी जाएगी, तो इसको हम सेक करके दूध के साथ खा लेंगे, दूध गुड़ और रोटी।